गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टेप। होप यू आर डूइंग गुड। हाँ बताइए, मुझे आवाज आ रही है, सब कुछ ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है सब कुछ? क्लियर है? हाँ जी, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लास 9 एनसीईआरटी में जो हिंदी के स्टूडेंट है आप चेक कर सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेनली मेनली हम बात करेंगे एनिमल और प्लांट किंगडम की। हम किसकी बात करेंगे? एनिमल और प्लांट किंगडम की। हम क्लास 9 का ये चैप्टर है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स वहां से आप ये पढ़ सकते हो। थोड़ा डिटेल होगा, और इसमें क्या होता है कि कुछ जैसे ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं वो, ठीक है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशली वर्टिब्रेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स पे, हाँ जी, लोअर ऑर्गेनिजम्स पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। लोअर एनिमल्स पे, लोअर प्लांट्स पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। बट जैसे अगर मैं बात करूं कोर्डेटा, अगर मैं बात करूं फिशेज पे, अगर एम्फीबियंस पे, रेप्टाइल्स पे, इनके कैरेक्टरिस्टिक पे रेगुलर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? तो थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा सा डिटेल में रहेगा। समझना है चीजों को पहले, समझने के बाद हम जो है इन चीजों को, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगी, मतलब अगर मैं बात करूं, ठीक है? रट्टा नहीं मारना पड़ेगा चीजों का। देखो, विटकर क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेनिजम्स है उनको डिवाइड किया गया है 5 किंगडम्स में। पहली बात सुन लो मेरी ध्यान से, कि जो है क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से करते हैं। क्यों जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की? मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, आप एक साथ सभी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक याद नहीं कर सकते। यू हैव टू आइडेंटिफाई, क्लासिफाई, नेम देम, ग्रुपिंग करनी है उनको। इस चीज को आप बोलते हैं टेक्सोनोमी बोलते हैं, कि आपको नाम देना है, ग्रुप करना है, टेक्सोनोमिक स्टडीज बोला जाता है। फाइन, अब ये जरूरी था कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिवाइड किया जाए ग्रुप्स में, कैरेक्टरिस्टिक उनके देखे जाएं, कितने मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या क्या उनको नाम दिया जाए, वो सारी चीजें, ठीक है? हम डिटेल में बात करेंगे, एनिमल और प्लांट किंगडम ही बात करेंगे, लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूं मोनेरा किंगडम, जिसमें अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया हमारा आ जाता है, प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा बताओ मैंने कौन सा किंगडम बताया था? हाँ जी, हाँ जी, प्रोटेस्टा हमारा है जो आपके सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे आपका इसमें प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कोज करता है, प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया कोज करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म आपके, हाँ जी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है तो यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मत पूछना, क्योंकि क्लास में हो चुका है, पहले बहुत पहले हम ये कवर कर चुके हैं। तो यूकैरियोट हमारा जो है किस किंगडम से स्टार्ट होता है? प्रोटेस्टा से। इसमें आपके सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये 5 किंगडम्स हैं, 5 किंगडम्स हैं। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं, सिंपल सी बात करूं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी क्या है? हायरार्कियल डिवीजन की हुई है उनकी, मतलब एक के बाद ऑर्गेनिजम्स को जो क्लासिफाई किया हुआ है ना ग्रुप्स में, वो हायरार्की में किया गया है। हायरार्की में समझो कि पहले एक ग्रुप है, फिर उनकी कुछ सिमिलरिटी है, बड़ा ग्रुप बना, फिर बड़ा ग्रुप बना, फिर बड़ा ग्रुप बना। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। हाँ जी, सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं। देखो देखो, हमारा नॉर्मल जो डॉग होता है या फॉक्स वुल्फ है, वो आपका एक स्पीशीज बना, एक सिंगल स्पीशीज में, पहले अलग अलग स्पीशीज में आते थे, एक स्पीशीज, स्पीशीज सबसे लोअर डिवीजन है। इसमें क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एक सिंगल
स्पीशीज में काउंट होंगे, जैसे ह्यूमंस है, होमो सेपियंस है, हम क्या है, होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस है। ये कैनिस लेपिस है, जैसे आपका डॉग समझ लो, डॉग ये एक स्पीशीज होगी। फिर देखो डॉग, वुल्फ, जैकाल, गीदड़ हो गया, भेड़िया हो गया, डॉग हो गया, ये सिमिलर है कि नहीं है, मुझे बताओ सिमिलरिटी है कि नहीं है। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, देखो अब देखो, हाँ देखो स्पीशीज क्या है जो रिप्रोड्यूस कर पाए, ध्यान देना, स्पीशीज क्या है जो रिप्रोड्यूस कर पाए सिंगल, उनमें सिमिलरिटी होती है लगभग सारी चीजों की, मॉर्फोलॉजी की, एनाटोमी की, सब कुछ सिमिलरिटी होती है। जैसे होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस हम क्या है, हम एक स्पीशीज है, और वो सेपियन वर्ड क्या है, उस स्पीशीज के लिए है। सेकंड होता है आपका जीनस, जीनस, अब बहुत से बच्चे जीनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, जीनस कुछ नहीं है, जीनस है जैसे देखो, अब डॉग तो एक इकट्ठे होंगे, डॉग जैसे दिखने वाले वुल्फ है, जैकाल है, गीदड़, भेड़िया, सारे डॉग जैसे ही है ना, उनको एक ग्रुप में रख दिया, वो बिल्कुल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ, बट यूजुअली क्या है, हमने उनको एक ग्रुप में, क्योंकि उनकी सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है, उनको एक ग्रुप में रख दिया, उसको बोलते हैं जीनस। फिर क्या हुआ, जो जीनस सिमिलर है उनको एक फैमिली में रख दिया, कैनेडिया, जैसे आपके फॉक्स, लोमड़ी, जैकाल, डॉग सारे एक कैनेडिया फैमिली में आ गए। फिलेडेलिया फैमिली देखो, फिलेडेलिया फैमिली आपके टाइगर, जो बिल्ली है, हां जी बिल्ली वाली फैमिली, कैट वाली फैमिली, टाइगर हो गया आपका, हां जी लायन हो गया, वो सारे एक फैमिली के है ना, वो फिलेडेलिया फैमिली है। अब उससे अगला देखो क्या हो जाता है, उसको आगे आप क्या कर सकते हो, जो जैसे कैट वगैरह है सारे कार्निवोर सेकेंडरी है, उनको अलग ऑर्डर में सारे कैट फॉक्स सबको एक साथ रख दिया, वो ऑर्डर हो गया। फिर ये सारे एक क्लास में रख दिए, रैबिट, कैट, फॉक्स, क्योंकि ये सारे क्या है, मैमल्स है, मैमल्स में क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस मिल्क, वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, दे आर विविपेरस, विविपेरस का मतलब होता है कि लाइव बर्थ देते हैं वो, समझे हो कि नहीं समझो, ये सारी चीजें ना धीरे धीरे समझने की कोशिश करो आप। कोड डेटा जिनकी क्या होती है, फाइलम कोड डेटा मतलब जिनकी, हाँ जी कोडेट्स होते हैं, जिनकी नोटोकोड प्रेजेंट होती है, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकोड। फिर एनिमल, एनिमल में सारे आ जाते हैं। फिर यूकैरियोटिक, डोमेन इनका क्या है, यूकैरियोटिक, क्योंकि इनकी सेल यूकैरियोटिक सेल है इनकी। अब मैं सिंपल तरीके से ह्यूमंस को लेके ये बताना चाहता हूँ सारी चीजें। देखो आप ह्यूमंस को लेके समझो, ह्यूमंस, ह्यूमन की साइंटिफिक नेम क्या है भाई, ह्यूमंस का बताओ मुझे, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस है, ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस। तो सेपियंस हमारी स्पीशीज होगी, ठीक है, सेपियंस हमारी स्पीशीज होगी। लकली क्या है, जीनस भी एक ही प्रेजेंट है, होमो हमारी जीनस है, इस जीनस में और कोई स्पीशीज नहीं है, सिर्फ ह्यूमंस है, इसमें सिर्फ ह्यूमंस है और कोई स्पीशीज नहीं है इस जीनस में। पहले थी होमो इरेक्टस से, ठीक है, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब सिर्फ एक ही स्पीशीज प्रेजेंट है, कौन सी स्पीशीज प्रेजेंट है, होमो सेपियंस। जीनस सिर्फ एक जीनस प्रेजेंट है, होमो, होमो में एक ही स्पीशीज है होमो सेपियंस, बाकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा होमो इरेक्टस, सुना होगा होमो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। लिविंग स्पीशीज क्या है, सिर्फ एक है, कौन सी है, होमो सेपियंस। उसके बाद देखो फैमिली, होमोनिडिया फैमिली, इसमें देखो कौन से आते हैं, चिंपैंजी देखे हैं आपने, गोरिल्ला देखे हैं, हमसे सिमिलर हैं कि नहीं है, चिंपैंजी, गोरिल्ला, उन सब को, ह्यूमंस को भी होमिनिडिया फैमिली में रख दिया, मतलब इनमें सिमिलरिटी है कि नहीं है। चिंपैंजी पता होगा आपको, हाँ जी पता है ना चिंपैंजीज क्या होते हैं, उनको इकट्ठा रख दिया। फिर हाँ जी हम नहीं है, हम उस फैमिली में है। फिर आप बोलते हो कि बंदर हमारे पूर्वज है, बोलते हैं ना, तो प्राइमेट हमारा ऑर्डर आ जाता है,
प्राइमेट में सब आ जाते हैं, प्राइमेट में चिंपैंजीज वगैरह भी आ जाते हैं, देसी बंदर भी आ जाते हैं, लंगूर भी आ जाते हैं, वो सारे, हाँ जी, वो सारे आपके किस ऑर्डर में आ गए? प्राइमेट, एक ऑर्डर आ गया जिसमें वो सारे हैं, ह्यूमंस हो गए, ओरंगटॉन्स हो गए, आपके चिंपैंजीज हो गए, एप्स, एप्स वाली फैमिली सारी, फिर मंकीज होंगे, लंगूर हो गया, आपके नॉर्मल मंकीज हो गए, वो सारे क्या है? प्राइमेट्स बोलते नहीं है, प्राइमेट्स हमारे क्या है, एंसेस्टर है, बंदर हमारे एंसेस्टर है, तो वो एक ग्रुप में डिवाइड कर दिए ना, ऐसे करते करते हारे। देखो पहले हम अकेले थे, फिर चिंपैंजीज वगैरह एक क्लास में आए, एक उसमें आए, फैमिली में आए, फैमिली के ऊपर ऑर्डर आया प्राइमेट, प्राइमेट में क्या होता है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज बोलते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, जैसे गोल्डन लंगूर हो गया, ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है, न्यू वर्ल्ड मंकीज हमारे, हाँ जी, अलग होते हैं, तो सारे मंकी हो गए, चिंपैंजीज हो गए, ये सारे एक प्राइमेट ऑर्डर में आते हैं, फिर ये सारे प्राइमेट मिलके, जैसे आपके डॉग है, कैट है, कैटल्स है, हम है, वो सारे एक मैमल क्लास में आ गए, मैमल क्लास में आ गए, मैमल क्लास के फिर, हाँ जी, फिर मैमल क्लास आ गई, फाइलम कौन सा आ गया, कोर्डेटा, कोर्डेटा वो है जो नोटोपोड प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, नोटोपोड प्रेजेंट होती है, समझे हो के नहीं समझे हो, हाँ जी, क्लियर है। अब ये चीज क्या है, दिस इज हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, सारी चीज डिटेल में करेंगे ये, कि मेमोरी ग्लैंड्स होती है नहीं होती, किसमें क्या होता है, और जहां मैं बोलूं ये पॉइंट आपको पक्के से याद करना है वो आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं सबसे पहले प्लांट्स की डिवीजन पे, किस पे आते हैं, प्लांट्स। देखो पहली बात आपको पता होना चाहिए प्लांट किंगडम कौन सा है, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें हम प्लांट्स में डिवाइड करते हैं, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हाँ जी, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो प्लांट किंगडम में आएंगे। प्लांट की हम डिविजन्स करते हैं, प्लांट किंगडम की क्या करते हैं, डिविजन, डिविजन। अब ये ध्यान रखना, पांच डिविजन इंपॉर्टेंट है, प्लांट किंगडम की पांच डिविजन इंपॉर्टेंट है। एल्गी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, एल्गी, हाँ जी, एल्गी लिखा हुआ दिख रहा है, एक एल्गी, ठीक है, एक क्या है, एल्गी, दूसरा क्या है आपका, ब्रायोफाइट्स, दूसरा क्या है आपका, ब्रायोफाइट्स, हम बात करेंगे ब्रायोफाइट, तीसरा आपका टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट, चौथी डिवीजन है जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, और पांचवी है एंजियोस्पर्म। ये पांच डिवीजन है किसकी, प्लांट किंगडम की, पांच डिवीजन है, और इनमें से सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब में क्वेश्चन एक ना एक यूपीएससी ने कभी पूछा है, तो एक बार हम डिटेल में बात कर लेंगे कि ये होते क्या है, आप लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होगा क्योंकि सबने देखे होते हैं, बट वो हम ध्यान नहीं देते कि ये क्या चीज है। एक वर्ड याद करना है आपको, क्रिप्टोगैमम एंड फिनेरोगैमम, क्रिप्टोगैमम मतलब जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, फिनेरोगैमम जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, हाँ जी, सीड प्रोड्यूस करने वाले और नहीं करने वाले, विद सीड और विदाउट सीड, सीड सिर्फ एंड सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म करते हैं, सिर्फ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या करते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं, बाकी सीड प्रोड्यूस नहीं करते। फंजाई अलग किंगडम में आता है, फंजाई को हम इसमें नहीं रखेंगे, थाइलोफाइटा डिवीजन है, उसमें फंजाई भी आता है, बट हम उसे प्लांट में नहीं रखते, फाइन। देखो अब देखो, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये पांचों हमने पढ़ने हैं, फाइन, क्लियर है यहां तक, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये नाम याद करने हैं, ये जरूरी है, और इनके पेड़ आपने,
अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो पाइन ट्रीज, काइकस एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा, साइकस पढ़ा होगा, ठीक है, और आपने जैसे पाइन फॉरेस्ट पढ़ा होगा, ठीक है, आपने जो है सब ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़े होंगे वो सारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। डिटेल में बात कर लेता हूं इनकी मैं। एल्गी सुना है सबने? एल्गी सुना है? एल्गी क्या होता है? देखो एल्गी जो है सीवीड, इसका लैटिन वर्ड है ये। उनमें क्लोरोफिल होता है, एल्गी में क्लोरोफिल होता है। सिंपल प्रिमिटिव प्लांट्स हैं। अब इसका मतलब क्या है? यूजुअली ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बच्चे मेरा ये है कि इनमें टिश्यूज नहीं बने होते, इनमें टिश्यूज नहीं बने होते। अर्लीस्ट प्लांट है, इनमें आपका पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, बट ये जो है बहुत ही सिंपल आपके प्लांट्स हैं। एल्गे बिलोंग्स टू थाइलोफाइटा। मतलब सिंपल बात बताऊं तो सेल का ना गठ्ठा बन जाता है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। सेल इकट्ठी तो हो जाती है बट ऑर्गेनाइज नहीं होती, ऑर्गेनाइज नहीं होती। हाँ जी ऑर्गेनाइज। अच्छा आवाज की किस किस को इशू आ रहा है? मेरे हिसाब से लगभग सभी को आवाज ठीक आ रही है। एक दो बच्चे बार बार लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, बताइए। हाँ जी बेटा, एक बार अपना हाँ जी, क्योंकि मैं अपनी आवाज बहुत तेज करके बोल रहा हूं, बहुत तेज करके बोल रहा हूं। हाँ जी ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनो। एल्गी क्या है? सिंपल आपका सेल का गट्ठा है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। सिंपल, डिफरेंशिएटेड नहीं होते, मतलब समझ लो इस बात का मतलब ये है कि इनमें रूट शूट कुछ नहीं होता। सिंपल सेल का गट्ठा है, इकट्ठी सेल आ गई है, सेल इकट्ठी आ गई है, ठीक है। मोस्ट ऑफ एल्गी आर लिविंग इन एक्वाटिक रीजन। देखो इन्हें पानी चाहिए ही चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए, इन्हें पानी चाहिए होता है रिप्रोडक्शन के लिए। सम एल्गी आर वेरी माइन्यूट एंड फ्लोट ऑन द सर्फेस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टोन्स। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी की है तो आपको पता है फाइटोप्लैंक्टोन्स एनवायरमेंट में आप बार बार पढ़ते हो। फाइटोप्लैंक्टोन्स क्या है? जो समुन्दर या पानी में तैरते हुए एल्गी हैं उनको क्या बोलते हो आप? फाइटोप्लैंक्टोन्स। उन्हें क्या बोलते हो? फाइटोप्लैंक्टोन्स। उन्हें क्या बोलते हो? फाइटोप्लैंक्टोन्स। फिश का नहीं, ये जूप्लैंक्टोन्स का खाना होता है। किसका खाना होता है ये? जूप्लैंक्टोन्स का। किसका खाना होता है ये? जूप्लैंक्टोन्स का खाना होता है। जूप्लैंक्टोन्स को फिश खाते हैं। फाइन, चलिए फाइटोप्लैंक्टोन्स। एल्गे सिंबायोटिक रिलेशन में ये नाम याद कर लो, लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? पक्के से याद कर लो, लाइकेन क्या होता है? लाइकेन इज सिंबायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी। फंजाई और एल्गी का सिंबायोटिक एसोसिएशन है म्यूचुअल, मतलब एक दूसरे के बिना वो रह नहीं पाएंगे। ये और फंजाई क्या है? सिंबायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। एल्गे क्या करता है? इसे फूड प्रोवाइड करेगा। एल्गे फंजाई को फूड प्रोवाइड करेगा, फंगस को क्या प्रोवाइड करेगा? फूड। और फंजाई क्या प्रोवाइड करेगा बताओ मुझे? फंजाई। फंगस क्या प्रोवाइड करेगा उसे? फंगस क्या करता है? उसके हाइपे होते हैं, हाइपे मतलब धागे, वो बहुत सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। तो न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, हाँ जी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। वेट ए मिनट। हाँ जी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में फंजाई हेल्प करता है। फाइन, ये भी याद करो। और लाइकेन्स आपके, हाँ जी लाइकेन्स जहां प्रेजेंट होते हैं ना बच्चे, वहां पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होता है। ये इंडिकेटर भी है,
लाइकेन्स क्या है, आपके इंडिकेटर स्पीशीज है, मतलब ये अगर जहां प्रेजेंट है वहां पोल्यूशन नहीं होता, स्पेशली जहां सल्फर का पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है वहां लाइकेन्स नहीं, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ सल्फर पोल्यूशन, सल्फर पोल्यूशन, हां जी सल्फर पोल्यूशन के इंडिकेटर्स हैं, जहां सल्फर पोल्यूशन पोल्यूशन ज्यादा होगा वहां आपके लाइकेन्स नहीं होंगे। समझे हो कि नहीं समझो इंडिकेटर? हां जी, लाइकेन्स सिंपल आपका जो है मैं जहां आपका मॉइस्चर, देखना पेड़ों के ऊपर ना मॉइस्ट कंडीशन जहां है, स्पेशली पहाड़ी एरिया में जाके देखना, ग्रीन ग्रीन सी लेयर लगी होगी, ग्रीन ग्रीन सी लेयर, छोटे 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 आपको ऐसे लगेगा छोटे छोटे प्लांट्स हैं। फाइन, फाइकोलॉजी याद करना है आपको, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हो आप, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। काई, काई एग्जैक्टली आपकी जो है जो देखी है आपने वो सिर्फ एल्गी की नहीं बनी होती, बहुत सी चीजें होती हैं, काई थोड़ा डिफरेंट है लाइकेन से। हाँ जी देखो, एल्गी जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कर सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, उसके एग्जांपल याद करने, स्पाइरोगायरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लाइमोडोमनास एंड चारा एंड स्पाइरोगायरा आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्लाइड आप छोड़ सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ जी, अब ये थोड़ा सा है, एल्गी आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकती है, ये एक्चुअल में एल्गी नहीं है, ये क्या है, बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया बुलाते हैं हम, क्या बुलाते हैं, साइनोबैक्टीरिया। ट्रू एल्गी आपका ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये ध्यान रखना। जब आपके इसका क्या ध्यान रखना है, जब आपके समुंदर में या किसी भी पानी की कोई भी सोर्स है उसमें सबसे ऊपर होगी ग्रीन एल्गी, फिर होगी ब्राउन एल्गी, फिर होगी रेड एल्गी, सबसे ऊपर रेड एल्गी सबसे डीप मिलेगी, रेड एल्गी क्या मिलेगी, सबसे डीप कौन सी मिलेगी बच्चे, रेड एल्गी मिलेगी। हाँ जी, सबसे डीप कौन सी मिलेगी, रेड एल्गी मिलेगी, ठीक है। ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल होता है, फिकोजेंथनिन किस में होता है, ब्राउन एल्गी में, और रेड एल्गी में होता है फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन रेड कलर का पिगमेंट होता है, ये ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है, ब्राउन कलर इसीलिए ब्राउन एल्गी बोलते हैं, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है इसीलिए ग्रीन एल्गी बोलते हैं, पिगमेंट के कारण अलग अलग कलर आते हैं, पिगमेंट के कारण अलग अलग कलर आते हैं। इसमें जो चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तो किस लेवल पे मिलते हैं, सबसे ऊपर ग्रीन, फिर ब्राउन, फिर आपका रेड, रेड एल्गी सबसे नीचे मिलेंगे, उसका रीजन है रेड एल्गी आपका ब्लू लाइट यूज करते हैं और ब्लू लाइट सबसे नीचे तक पेनिट्रेट कर पाती है, क्योंकि ब्लू लाइट की क्या होती है, ब्लू लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, समझ लो, इसीलिए ध्यान देना मैंने क्या बोला, रेड एल्गी ब्लू लाइट यूज करते हैं, समझ लो। हाँ जी, विबग्योर की ये मैं ना फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, बस ये ध्यान रखना ग्रीन में। और एक और चीज याद रखना, आपने ना एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ब्राउन एल्गी आपके जो है सी फॉरेस्ट बनाते हैं, कैल्प फॉरेस्ट, ये पॉइंट लिख लो, जो कैल्प फॉरेस्ट है वो ब्राउन एल्गी के बने होते हैं, ये एनवायरमेंट में पढ़ते हैं हम, कैल्प फॉरेस्ट किसके बने होते हैं, ब्राउन एल्गी के बने होते हैं। तो बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि सर वो क्या है, तो ये लिख लो, चाहे कैल्प फॉरेस्ट किसके बने होते हैं बच्चे, ब्राउन एल्गी के, कैल्प फॉरेस्ट आर द मोस्ट प्रोडक्टिव वेजिटेशन ऑफ ओशियंस, ओशियंस की सबसे, जैसे हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऐसे ही समुंदर में कैल्प फॉरेस्ट होते हैं, वो ब्राउन एल्गी के बने होते हैं, सबसे प्रोडक्टिव रीजन ऑफ द, हाँ जी, रीजन ऑफ द सी, फाइन, ओशियन, ओशियन का सबसे प्रोडक्टिव रीजन होता है। ये नाम याद कर लो, ओसिलेटरिया, क्लाइमेडोमनास, लिमनेरिया, जैसे ये रेड एल्गी का है, ठीक है,
ये आपका ग्रीन एल्गी का, ब्राउन एल्गी के ये एग्जाम्पल है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वो याद रख लो बस। नेक्स्ट आ जाओ ब्रायोफाइट्स। देखो अब मैं सिंपल एक पॉइंट इनका सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछा गया है, दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना ही रखना है। दे आर प्लांट एम्फीबियंस बहुत बार पूछा गया है। क्यों प्लांट एम्फीबियंस है? हाँ जी, क्यों प्लांट एम्फीबियंस बोला जाता है? नहीं, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता। प्लांट एम्फीबियंस बोलते हैं क्योंकि ये पानी में भी रह सकते हैं और ये लैंड पे भी, बट इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए होता है। एम्फीबियंस को जैसे पानी में भी रह सकते हैं, वहां भी रह सकते हैं, लैंड पे भी, बट इन्हें क्या चाहिए होता है? हाँ जी बताइए, इन्हें पानी चाहिए ही चाहिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये चीज एक ध्यान रखनी है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बुलाया जाता है। फाइन, मैं डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करूंगा, सिंपल करूंगा। क्रिप्टोगैम्स है, कोई भी इनमें वो नहीं होता, सीड प्रोड्यूस नहीं होता। दूसरा, इनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों ही नहीं होते। जाइलम और फ्लोएम दोनों नहीं होते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते, इसलिए ये डोमिनेंट लैंड पे नहीं कर पाए। वस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ये मैं डिटेल कर चुका हूं, टिश्यू वाला ध्यान से पढ़ लेना। हाँ जी, इनमें वस्कुलर टिश्यू नहीं होते। हाँ जी, इनमें क्या नहीं होते? वस्कुलर टिश्यू नहीं होते। वस्कुलर टिश्यू नहीं होते क्या? जाइलम और फ्लोएम। और ये चीज हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, मैं अभी नहीं बताऊंगा कि क्या होते हैं जाइलम और फ्लोएम, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ जी, ये लैंड पे भी रहते हैं और अब इन्हें पानी बहुत चाहिए होता है, जरूरी चाहिए होता है, मतलब साइकिल कंप्लीट करने के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक पॉइंट लिख लो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इसमें क्या होती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। इन आपको मैं ये समझा दूंगा सिंपल टर्म्स में क्या होती है। ये पॉइंट भी नोट कर लो, ब्रायोफाइट्स में क्या होती है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। दूसरा पॉइंट लिख लो, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, टिश्यूज नहीं बनते इनमें। इनमें क्या नहीं बनते बच्चे? टिश्यूज नहीं बनते। राइट डाउन कि इनमें ट्रू रूट्स एंड ट्रू शूट्स या स्टेम लीव्स कुछ नहीं बनता। ट्रू रूट्स स्टेम लीव्स नहीं होते। पहले ये चीज लिख लो कि इसमें ना ट्रू स्टेम होता, ना ट्रू लीव्स होते, ना ट्रू रूट्स होती। समझ लो, दिखेंगे छोटे छोटे पत्ते, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, लगेगा कि इनके पत्ते हैं, इनके स्टेम हैं, इनकी रूट्स है, लगेगा, लेकिन वो ट्रू रूट्स नहीं है। ध्यान देना मैं जो बात बोल रहा हूं, आपको लग सकता है अगर आप उसे माइक्रोस्कोप में देखोगे ना कि ये ट्रू रूट है, ये ट्रू स्टेम है, नहीं, इनमें नहीं होता। ये चीज आप ध्यान से, राइजोइड होता है, बिल्कुल ठीक है महिरा, राइजोइड होता है, बट वो चीज लिखी हुई है यहाँ, इनमें क्या है? रूट्स प्रेजेंट होते हैं बट वो ट्रू रूट नहीं होते, राइजोइड होते हैं। फाइन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये सुन लो, जो नए बच्चे हैं वो ये सुन लो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? सिंपल है, दो चीज, दो टर्म यहां लिखी दिख रही है आपको, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं पढ़ा चुका हूं। देखो गैमेटोफाइट होगी, हैप्लोइड बताओ, मैंने पढ़ाया था आपको कुछ हैप्लोइड एंड डायप्लोइड कुछ पढ़ाया था? बताओ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? जैसे मेरी ये स्पोरोफाइटिक है, मेरी ये बॉडी क्या है? स्पोरोफाइटिक है। मेरी बॉडी क्या है? स्पोरोफाइटिक है। मेरा गैमेटोफाइट क्या है? स्पर्म है। स्पर्म गैमेटोफाइट है, मतलब स्पर्म सिंगल सेल, आपका स्पर्म में हैप्लोइड सेल है। बताया था कि नहीं बताया था ये चीजें? हाँ जी बताया था। लेकिन इन प्लांट्स की खास बात क्या है? ध्यान से सुन लो, इनकी जो मेन लाइफ होती है वो हैप्लोइड होती है। इनका जो मेन लाइफ होती है ना,
मेन साइकिल में जो जो हैप्लोइड सेल वाली साइकिल है ना वो मेन होती है, हमारे क्या है हमारी बॉडी क्या है स्पोरोफाइट वाली, मतलब डायप्लोइड वाली मेन है ना हमारी, पूरी जिंदगी हम डायप्लोइड वाली जिंदगी जीते हैं, सेल्स वाली जिंदगी जीते हैं। इनका मेन क्या होता है हैप्लोइड होता है, इनका मेन क्या होता है हैप्लोइड वाली, मतलब गैमेटोफाइट वाली इनकी मेन जनरेशन होती है, और स्पोरोफाइट थोड़े से टाइम के लिए जनरेट होता है, और वो क्या है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे यूजुअली, इसके ऊपर उगता है ये, इसके ऊपर बनता है ये, जैसे हमारा जो है हमारा गैमेट हमसे बनता है, इनका उल्टा है, स्पोरोफाइटिक जो फेज है वो गैमेट वाली फेज पे डिपेंड करता है, हमारा हम स्पोरोफाइट है 2n वाले हैं, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हमें 46 है ना 2n, स्पर्म में कितने होते हैं n, जो n वाली स्टेज है इनकी इंपॉर्टेंट है, हैप्लोइड वाली स्टेज इंपॉर्टेंट है इनकी, समझ आया कि नहीं समझ आया, हां जी बोलिए, हैप्लोइड वाली इसे बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हाँ बनता नहीं है, मतलब जेटिट्यूड सिंपल सुनो, हम हमारा जो है जैसे ये मेन बॉडी है मेरी वेजिटेटिव बॉडी ये है, तो हमारा क्या है जो स्पोरोफाइट बॉडी है उस पर डिपेंडेंट है क्या स्पर्म फॉर्मेशन ओवम फॉर्मेशन, इनका क्या होता है जो मेन बॉडी होती है वो हैप्लोइड होती है, हैप्लोइड के ऊपर आपका स्पोरेंजिया बनते हैं जिसमें आपका स्पोरोफाइट होता है, मतलब 2n वाली स्टेज होती है, समझे हो कि नहीं समझो, फाइन 2n वाली स्टेज उसके ऊपर बनती है, उसके सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब पैकेट्स होते हैं उन पे होते हैं, समझो कि नहीं समझो, उस पे बनता है बस, उनकी मेन लाइफ कौन सी है गैमेटोफाइट, याद रहेगी। एग्जांपल इसमें है जैसे मोसेस जो काई वाली बात कर रहे थे ना आप, वो ये है, हां जी कौन कह रहा था काई वाली बात, इसका एग्जांपल है आपका लिवर वॉर्ट्स और मोसेस, मोसेस काई जो आपकी दिखती है आपको, हां जी मोसेस जो जैसे पानी पीने वाली जगह पे दीवारों पे लगी नहीं होती है, हां जी दीवारों पे लगी होती है वो, ठीक है ट्रू नहीं होती रूट्स और रूट। बताओ समझ आया कि नहीं आया, ये तीन ये नाम याद नहीं करने, ये वाले याद कर लो, लिवर वॉर्ट हॉर्न वॉर्ट एंड मोसेस, ये तीन आपके क्या है तीन टाइप के ब्रायोफाइट है, इनके साइंटिफिक नाम याद नहीं करने, ये तो याद हो जाएगा ना लिवर वॉर्ट हॉर्न वॉर्ट मोसेस, ये तो याद हो जाएगा है ना, चलो ये जैसे एग्जांपल है तीनों के आपका, हां जी पुनेरिया आपके मोसेस रिकेसिया एंड, तो इनके देखो पत्ते लग रहे हैं ना ये, एक्चुअली में ये पत्ते नहीं होते, ट्रू लीव्स नहीं होते, इनकी रूट्स भी होती है, ट्रू रूट्स नहीं होती, ना इनमें सीड्स होते, ना इनमें सीड्स होते, ना इनमें सीड्स होते, फाइन रिकेशिया और ये नाम दो तीन याद करोगे बस, पेनेरिया रिकेशिया एंड एंथोसिरो। अब आ जाओ टेरिडोफाइट, अब इसका सबसे पहला पॉइंट लिखना है फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट, ये क्वेश्चन दो साल पहले सीएपीएफ ने पूछा था, फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स से क्वेश्चन लाइन ही ये थी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स, सीधा एनसीईआरटी से लाइन उठाई थी उन्होंने, सीधा एनसीईआरटी से लाइन उठाई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट, तो क्या है, हां जी क्या है टेरिडोफाइट, इनमें सबसे पहले वस्कुलर टिश्यू किसमें आया, कोई आपसे क्वेश्चन पूछे सबसे पहले वस्कुलर टिश्यू किसमें आया तो कौन बताओ क्या आंसर रहेगा इसका, हां जी वस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले किसमें आया टेरिडोफाइट में, ये भी पूछा गया है पहले, हां जी ये भी पूछा गया है, और लेकिन इनमें ट्रू सीड नहीं होते, ये ध्यान रखना ट्रू सीड नहीं होता, ट्रू लीफ होता है, रूट होती है, शूट होता है, स्टेम होता है, बट सीड प्रोड्यूस नहीं करते, ये ध्यान रखना, सीड के अलावा सब कुछ ठीक है, इनमें रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, बट क्या नहीं होता इनमें, हां जी बताओ मुझे, सीड्स नहीं बनते,
इनमें सीड्स नहीं बनते, टेरिडोफाइट बुलाते हैं इन्हें, फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, दे डोमिनेटेड द लैंड। अगर मैं बोलूं आज से लगभग 300 मिलियन ईयर अगो, 300 मिलियन ईयर अगो, दे वर द डोमिनेंट स्पीशीज। सीड नहीं बनते, ठीक है, आगे बढ़े। इनमें भी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होती है, बट इनमें ध्यान रखना डायप्लोइड स्टेज मेन होती है। कौन सी स्टेज मेन है? डायप्लोइड मतलब स्पोरोफाइट वाली, हैप्लोइड छोटा सा फेज होता है, छोटा सा फेज होता है, स्पोरोफाइट वाला फेज डोमिनेंट होता है। हाँ, इन्हें प्रिमेटिव वस्कुलर प्लांट भी बोलते हैं महिरा, बिल्कुल ठीक है भाई, बस ये चीज याद रखनी है। स्पोंजिया क्या करते हैं? लीव्स बियरिंग द स्पोरोफिल्स। आपने घरों में फर्न्स देखे हैं, FERN, ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, लंबे लंबे पत्तों वाले, घरों में सजाने के लिए यूज करते हैं, लंबे लंबे गमलों में लगे होते हैं, लंबे लंबे पत्तों वाले, वो आपके क्या है? टेरिडोफाइट है भाई। हाँ जी, क्लियर। जैसे ये वाले इक्विस्ट्रियम होता है, न्यूरोफिलिप, इनका नाम है कौन से, ये जो मेन स्पीशीज है, इक्विस्ट्रियम याद करना है, निफेरोलेपिस याद करना है। ये आपके हमारे घरों में के आसपास मिलते हैं, जैसे ये वाले जो आपका फर्न है, ये मिलता है हमारे घरों में। क्लियर। होस्ट टेल, हाँ बिल्कुल ठीक है, होस्ट टेल बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ जिम्नोस्पर्म्स में, अब आ जाओ जिम्नोस्पर्म्स में। ये देखो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, बट नेक्ड सीड होते हैं। जिम्नोस्पर्म का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है, नेक्ड सीड प्लांट। अब आप कहोगे सर नेक्ड सीड प्लांट से क्या मतलब है? याद करो जब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाई थी आप लोगों को, मैंने बताया था कि इसकी ओवरी ना सीड को कवर नहीं करती है। कुछ याद आया? ओवरी जो है जिम्नोस्पर्म की सीड को कवर नहीं करती है। एक चीज ध्यान रखना, जो बच्चे रेगुलर क्लास लगा रहे हैं उनकी आधी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि बार बार रिपीट होती हैं कुछ चीजें, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें मैं यहां कर रहा हूं। हाँ जी, क्या होता है कि जो ओवरी होती है ना, जिसमें आपका ओवम होता है, उसमें ना उसमें वो कवर नहीं करती उसको, सीड को, तो सीड आपका ऐसे ही बाहर दिखता है, बिल्कुल बाहर दिखता है। जैसे पहाड़ों में गए हो, पहाड़ों में आपने कोन देखे, वो कोन लगे होते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे दाने से दिखेंगे आपको, वो सीड होते हैं। कोन देखे हैं पहाड़ों में, कोन कई लोग इकट्ठे करके लाते हैं, सजावट के लिए भी घर ले चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो आपके जिम्नोस्पर्म्स है, इनका नाम याद करना ही करना है, इनके जो एग्जाम्पल है। देखो इनमें भी गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइटिक होता है, बट यहां ध्यान रखना स्पोरोफाइटिक ही है मेन। जाइलम और फ्लायम डेवलप होते हैं, बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो वस्कुलर हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं, और इसमें क्या होता है ट्रैकियार्ड एंड जो किस में होता है, फ्लोएम में होता है, ठीक, जाइलम में होता है, और मेन जो है सीव सेल होती है फ्लोएम में। मेन आपको इतना याद करना नहीं है, बट ये ध्यान रखना कि जो इम्पोर्टेंट यहाँ ये है कि आपका जो जाइलम और फ्लोएम है वो वेल डेवलप्ड है जिम्नोस्पर्म्स में। वो क्या है? वेल डेवलप्ड है। ये स्पीशीज याद कर लो, साइकस पीनस, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको ये ना, इसका एक ही जीनस मैं बोलूं तो अब सर्वाइविंग है, बाकी सारे के सारे क्या हैं आपके नहीं मिलते, कहीं नहीं मिलते। और एक चीज और सुनो, एक चीज और ध्यान सुन लो, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है एक्सटिंक्शन होने के चांस जो एनवायरनमेंट में पढ़ते हो ना, जिम्नोस्पर्म्स के हैं प्लांट में, प्लांट में सबसे ज्यादा, हाँ जी, सबसे ज्यादा जो है किसके हैं? जिम्नोस्पर्म्स के हैं। इनकी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 900
900 के आसपास स्पीशीज है, बाकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बाकी स्पीशीज इनकी क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। देखो स्पीशीज इतनी ज्यादा नहीं है, ट्रीज होंगे, जैसे हिमाचल है पहाड़ी एरिया में ट्रीज बहुत हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर सिमिलर स्पीशीज के होते हैं, ये ध्यान रखना। जिम्नोस्पर्म्स जो है सबसे खतरा थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये एनसीईआरटी का डाटा बता रहा हूं मैं आपको, फाइन। अब आ जाओ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स होते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म्स बच्चे क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग समझते हो सब, जिन पे फ्लावर होते हैं। अब आप कई बच्चे जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं वो कहते हैं सर हर पे तो नहीं होते, जैसे वीट पे फ्लावर नहीं दिखता, राइस पे फ्लावर नहीं दिखता, एक्चुअली फ्लावर उनमें होता है बट बहुत छोटा होता है, क्योंकि वो विंड से पोलिनेशन करते हैं, फूल होना चाहिए, सीधी सी बात है, बहुत छोटे छोटे फूल भी हो सकते हैं जो आपको नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे, आंखों से नहीं दिखेंगे, फाइन। डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह मैं बता चुका हूं आपको डिटेल में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहां जो हमें बात करनी है, हाँ जी, ये क्या है आपके अब सबसे डोमिनेटिंग प्लांट है एंजियोस्पर्म, फिलहाल वेल डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम प्रॉपरली डेवलप है, इनकी डिटेल हम कर चुके हैं क्या क्या होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, डाइकोट और मोनोकोट, डाइकोट एंड मोनोकोट, ये इसका डिवीजन आपको याद होना चाहिए, इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डाइकोट और मोनोकोट पे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या होते हैं डाइकोट और मोनोकोट, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जो एम्ब्रियो होता है ना, मैंने बताया था आपका जो सीड होता है, कोई भी सीड होता है उसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो के लिए क्या प्रेजेंट होता है, फूड, एंडोस्पर्म प्रोड्यूस, याद आया कुछ, एंडोस्पर्म बताया था मैंने कुछ, एंडोस्पर्म बताया था कि नहीं बताया था, हाँ जी, तो जो मोनोकोट है उसमें क्या होता है, एक सिंगल ऐसा कोटलीडन है जो उसे फूड प्रोवाइड करेगा, डाइकोटलीडन में क्या होता है, दो कोटलीडन्स प्रेजेंट होते हैं जो एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करते हैं, दो कोटलीडन अगर प्रेजेंट है तो वो क्या है, डाइकोटलीडन है, अगर सिंगल है तो वो मोनोकोटलीडन है। मोर्फोलॉजिकली इनमें क्या होता है, जो डाइकोट होते हैं उनमें टैप रूट सिस्टम होता है, ये रट्टा मारना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, टैप रूट सिस्टम, टैप रूट क्या होता है, टैप रूट आपकी मेन रूट है और उस रूट से ब्रांचेस निकलती रहती है, मेन रूट सरवाइव करती है, मेन रूट सरवाइव करती है, ये टैप रूट सिस्टम हो गया। मोनोकोट में क्या होता है, फाइब्रस रूट्स होते हैं, मतलब मेन रूट विल डाई और जो मेन पॉइंट होता है, जैसे घास देखिए, घास में कैसे कैसे वो होती है रूट्स, फाइब्रस रूट होती है, एक ही पॉइंट से बहुत छोटी 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 रूट्स निकली होती है, वो क्या है आपकी फाइब्रस रूट है, वो क्या है आपकी फाइब्रस रूट है, वो क्या है आपकी फाइब्रस रूट, वो किस में होती है, मोनोकोट में, डायकोट में टैप रूट सिस्टम होता है। चलो एक और चीज सीखो, ध्यान से सुनो एक और चीज, हाँ जी, लीव्स आर रेटिकुलेट वेनिएशन, आम का पत्ता देखा, आम का पत्ता, नॉर्मली आम का पत्ता होता है कि आपका जो है जो उसमें वेनिएशन है वो ऐसे होती है, ये चीज होती है कि नहीं होती है, मतलब ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है, घास के पत्ते में जो ध्यान से देखना पैरेलल वेनिएशन होती है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है वेन्स उसकी, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है, देखा है कि नहीं देखा, घास का पत्ता या दोनों में, तो ये है पैरेलल वेनिएशन, ये रेटिकुलेट वेनिएशन, तो डाइकोट में कौन सी है बेटा, इन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइट मत लो इन चीजों को, लाइट मत लो, क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर उठा के देखो, पैरेलल वेनिएशन इन ग्रासेस मोनोकोट, इसमें डाई, ठीक है, यूजुअली फ्लावर आर टेट्रामेरस और पेंटामेरस, जो डाइकोट होता है उसमें चार या पांच पेटल होते हैं, चार या पांच पेटल्स होते हैं, और जो है पेटल्स और सेपल्स अलग अलग होते हैं, पेटल्स और सेपल्स इनमें अलग अलग होते हैं, एग्जाम्पल क्या है, बीन, मैंगो, नीम, सारे आपके डाइकोटलिडन हैं। ये देखो मोनोकोट में देखो
वन कोटिलेडन है, फाइब्रस रूट है, लीव्स आर पैरेलल वेरिएशन, फ्लावर्स आर ट्राइमस, तीन पेटल्स होते हैं और इनके जो सेपल्स और पेटल्स अलग नहीं होते, ये ध्यान रखना। घास के जो होते हैं पेटल्स और सेपल डिफरेंशिएटेड नहीं होते, मतलब अलग नहीं होते। पोलिनेशन विंड से होती है, ग्रास हो गया, पैडी हो गया, बनाना हो गया, वीट हो गया, ये मोनोकोट हैं, ये सारे क्या हैं, मोनोकोट हैं। हाँ जी, घास, बनाना, ये सारे क्या है, मोनोकोट हैं। हाँ जी, देखो सिंपल सा डिफरेंस समझ आना चाहिए मोनोकोट और डाइकोट का। डाइकोट में क्या है, डाइकोट में टू कोटिलेडन्स होते हैं, याद करना है आपको। डाइकोट में टैप रूट होता है, मोनोकोट में फाइब्रस रूट होता है। मोनोकोट में लीव्स पैरेलल वेरिएशन होते हैं, मोनोकोट में लीव्स रेटिकुलेट वेरिएशन होते हैं। फाइन, समझो कि नहीं समझो। फ्लावर्स आर, ये पॉइंट चाहे याद मत करो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाले दोनों पॉइंट पिछले इयर्स के उठा के देख लो, पेपर आए हुए हैं, ऊपर वाले दोनों पॉइंट बिल्कुल फाइन। अब आ जाते हैं एनिमल किंगडम पे, थोड़ा सा शुरू में डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको, ध्यान से सुनना है, ठीक है। और जो चीज मैं बोलूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है वो लिख लेना, बाकी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, ठीक है। देखो एनिमल्स को जो क्लासिफाई किया जाता है तो कुछ करैक्टर लिए जाते हैं, स्पेसिफिक करैक्टर देखे जाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक क्या है, करैक्टर देखे जाते हैं। अब वो स्पेसिफिक करैक्टर है क्या, ध्यान से सुनना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है। हाँ जी, देखो एनिमल किंगडम में जो मैं बताऊंगा वो चीजें आपको याद हो जाएंगी, ट्रस्ट मी, हम इतना मतलब उस लेवल का करेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है, उससे ज्यादा रट्टा मार, मैं जो बोलूं वो बस उतना ही करना, एनफ रहेगा, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहली चीज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, होती है बच्चे कि भाई सेलुलर लेवल है, टिश्यू है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम बन गए, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सेलुलर लेवल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो मेनली सेलुलर लेवल पे देखते हैं, टिश्यू लेवल, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम क्या है उसमें, भाई सिंपल सेल्स है, वो टिश्यू बना रही है, वो ऑर्गन बना रही है, उस पे डिपेंड करता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी। सिमेट्री, अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर सिमेट्री, क्या होती है, मतलब रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, बताओ मुझे। सिमेट्री होती है कि भाई हम किसी चीज को काटें तो दो चीजों में सिमिलैरिटी है, वो सिमेट्री होती है। या देखो ह्यूमंस में यूजुअली क्या होता है, अगर आप बीच से काटो, लगभग एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, अगर बीच से चीजें जाएंगी तो लगभग ज्यादातर बॉडी पार्ट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे, एग्जैक्ट नहीं है बट लगभग हो जाता है कि नहीं हो जाता, टू इक्वल पार्ट्स में, वो बायलेटरल है, फुटबॉल को आप कहीं से काट दो या किसी बॉल को कहीं से काट दो, वो क्या है, सारी चीजें सेम रहेंगी, उसके दो हाफ की, चार हाफ की, इक्वल, तो लगभग सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। वो रेडियल, जो आपकी स्फेरिकल सिमेट्री होती है, मान लो आपकी बॉल ऐसे काटा, तो जब ये सिमिलर तो वो क्या कहलाती है, आपकी रेडियल सिमेट्री, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी रेडियल सिमेट्री। फाइन, अब दो ये टर्म मुश्किल है बहुत से बच्चों के लिए, एसीलियोमेट, सूडोसीलियोमेट, सीलियोमेट्स, और अगर मैं बोलूं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक। ये देखो फिगर, देखो रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, एंड बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, दिख रहा है। हाँ जी, रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री, कोई इश्यू है इसमें।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं अगली चीज पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना तभी समझ आएगी। जैसे क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जो हाइयर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर समझते हो सब, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जब उसका एम्ब्रियो डेवलप होता है ना, एम्ब्रियो एम्ब्रियो समझते हो सब, जब आपका जो है फर्टिलाइजेशन होगी, जायगोट बना, जायगोट से सेल डिविजन होके एम्ब्रियो बनेगा, वही सेल बार बार टूटेगी टूटेगी, और आपका क्या है, एक से दो में, दो से चार में, चार से आठ में बनता है कि नहीं बनता, एम्ब्रियो बनता है। जब एम्ब्रियो बनता है ना, तो जो सेल्स हैं वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर लेती हैं। अब यहां बात समझो मेरी, मान लो जो सेल्स है ना वो अलग अलग लेयर्स में डिफरेंशिएट कर लेती है, समझो। पहले सारी सेल एक जैसी थी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये सेल भी एक जैसी थी, ये भी एक जैसी थी, ये भी, सारी सेल एक जैसी थी, सारी जो डिवीजन हुआ जायगोट का, सारी एक जैसी थी। फिर क्या हुआ, धीरे 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 जब एम्ब्रियो डेवलप होगा ना, तो सेल की लेयर्स डेवलप होंगी। जो ह्यूमन है उनमें तीन लेयर डेवलप होती है, एक्टो, मीजो, एंडो। एक्टो लेयर, एक्टो लेयर, एक्टो डाउन, मीजो डाउन, एंडो डाउन। नाम से बताओ क्या क्या समझ आ रहा है, एक्टो बाहरी, एंडो अंदर की, मीजो बीच की, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक्टो, मीजो, एंडो, कोई मुश्किल है समझने में, कोई भी मुश्किल है, बाहर वाली, बीच वाली, अंदर वाली, तीन लेयर। इनसे क्या होता है, अलग अलग ऑर्गन डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्टो से आपका नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम और स्किन, एपिथीलियम, स्किन डेवलप होती है जो आउटर लेयर है। इससे मीजो डाउन से आपका जैसे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, जो बीच वाले ऑर्गन है, बीच वाले ऑर्गन है वो डेवलप होते हैं। एंडो से फॉर एग्जाम्पल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, वो डेवलप होगी, हुई कि नहीं हुई, समझे हो कि नहीं समझे हो, इसमें कोई डिफिकल्टी है समझने में। तीन लेयर, जब इन तीन लेयर से आपकी डिवीजन होती है, उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसको क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कोई दिक्कत है, नॉर्मल सेल तीन लेयर में डिवाइड हुई, उससे ऑर्गन बने, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कोई भी इश्यू है इसमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीन लेयर वाला, फाइन। डिप, अब ट्रिप्लो समझ आ गया, अब मुझे बता दो डिप्लोब्लास्टिक क्या होगा। हाँ जी, अब मुझे बता दो डिप्लोब्लास्टिक क्या होगा, दो वाला। इनमें, इन एनिमल्स में सिर्फ आपकी एंडो और एक्टो डेवलप होती है, क्या डेवलप होती है, एंडो लेयर और एक्टो लेयर, समझ गए, दो लेयर, ड्यूल सिम, बिल्कुल ठीक है, जेटिट्यूड, दो लेयर से डिप्लोब्लास्टिक। जैसे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हम डिप्लोब्लास्टिक हैं, सिंपल। दो, डाय का मतलब क्या होता है, दो, दो लेयर वाला। यहां तक किसी को कोई इश्यू है, अब मुझे बताइए यहां तक कोई इश्यू है, दोनों चीज समझ आ गई। अब सीलियम, एक अब आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, चलो। देखो होता क्या है, जैसे हमारे अंदर इमेजिन करो, कुछ कुछ नहीं करने, सोचने की जरूरत है, हमारे आउटर लेयर है बॉडी, सीलियम होता है बॉडी कैविटी, इसका मतलब होता है, कोएलम भी बोलते हैं, सीलियम भी बोलते हैं, जो कोएलम होता है वो हमारा इंटरनल बॉडी होता है, मतलब इंटरनल कैविटी, कैविटी बोलोगे, इंटरनल कैविटी, इंटरनल कैविटी, सिलोमिक कैविटी बोलते हैं,
इंटरनल कैविटी, बॉडी कैविटी। मेरी बात सुनो ध्यान से, जब आपकी तीन लेयर होती हैं सेल्स की, वो डेवलप करती हैं आपका क्या, अलग अलग ऑर्गन। जब तीन लेयर से डेवलप होता है तो वो डिप्लोब्लास्टिक है, दो लेयर से डेवलप होता है तो वो डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। जो आपका सिलोम है वो होती है आपकी इंटरनल कैविटी। अब इंटरनल कैविटी, मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो हमारी बॉडी, इमेजिन करो साफ साफ आपको समझ आ जाएगा। आउटर स्किन इमेजिन करो, आउटर स्किन और एलिमेंट्री कैनाल इमेजिन करो। आउटर स्किन किससे डेवलप हुई है, एक्टो से। एलिमेंट्री कैनाल किससे डेवलप हुई है, एंडो से। इस तरीके से इमेजिन करो, देखो मैं जैसे कह रहा हूं वैसे इमेजिन करो। आउटर हमारी स्किन, ये सोचो आउटर स्किन ये डेवलप हुई है, इंटरनल ये है, इंटरनल एलिमेंट्री कैनाल ये है। अब इसके बीच में जगह बची हुई है, बची हुई है, दिख रहा है आपको जगह बची हुई दिख रही है, ध्यान से देखना मैं बड़ा करता हूं थोड़ा सा, एक मिनट रुके, चलो नहीं हो रहा बड़ा, एक मिनट ध्यान से सुनिए। अब इसके बीच में देखो ये वाइट वाइट पोर्शन है, दिख रहा है, ये कैविटी है, इसमें हमारा हार्ट लंग्स वगैरह प्रेजेंट है। अब आप देखो जो ये वाली लेयर है ये है एंडोडर्म, ये आउटर वाली एक्टोडर्म है। गुलाबी लेयर दिख रही है आपको पिंक, ये मिजोडर्म। मिजोडर्म क्या करती है, एक्टो को भी कवर कर रही है, एंडो को भी कवर कर रही है। ध्यान से देखिए एक सेकंड दीजिए, मुझे थोड़ा सा बड़ा करने दीजिए। हाँ अब देखो दिख रहा है सबको ध्यान से, अब बताओ ये एक्टो होगी, ये एक्टो, येलो दिख रही है, ये एंडो होगी। दोनों के बीच में देखो मिजोडर्म ने एक्टो को भी कवर कर लिया है, एंडो को भी कवर कर लिया है और एक्टो को भी कवर कर लिया है। दोनों को कवर कर लिया है कि नहीं कर लिया, इन दोनों को कवर करने के बाद बीच में कैविटी खाली बचती है, इस कैविटी को बोलते हैं सिलोम, ट्रू सिलोम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ट्रू सिलोम। एक्टो एंडो मिजो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती, एक्टो एंडो याद करने में, मिजो याद करने में दिक्कत नहीं होती। ट्रू सिलोम क्या होगा, जो सिलोमिक कैविटी है वो क्या होगी, जब आपका एक्टो प्रेजेंट है, एंडो प्रेजेंट है, एंडो के ऊपर मिजोडर्म लग के अगर वो कवर करती है वो सिलोमिक कैविटी है। समझो कि नहीं समझो, मिजोडर्म क्या करती है, आपका सिलोमिक कैविटी बनाती है, दिस इज ट्रू कैविटी। अगर मैं इसी चीज को ये देखो, इसमें देखो कैविटी यहां भी है, कैविटी है कि नहीं है, यहां कैविटी है कि नहीं है, मुझे बताओ, कैविटी है, लेकिन इसको मिजोडर्म में कवर किया है, नहीं किया, इसको बोलते हैं फॉल्स कैविटी। फॉल्स का मतलब क्या होता है, सीडो। फॉल्स का मतलब क्या होता है, सूडो। फॉल्स का मतलब क्या होता है, सीडो, है ना, सूडो। और ये तीसरी देख लो, जिनमें होती नहीं कैविटी, दिख रही है कहीं, तीनों लेयर में कैविटी दिख रही है, नहीं है, मतलब एसिलोमिक। एसिलोमिक का मतलब होगा कैविटी है ही नहीं, तो एसिलोमिक होते हैं ऑर्गेनिज्म एनिमल, सूडोसिलोमिक होते हैं, ट्रू सिलोमिक होते हैं, हम ट्रू सिलोमिक हैं, हम क्या है, ट्रू सिलोमिक है। समझो कि नहीं समझो, बताओ मुश्किल है ये समझना कोई, विदाउट कैविटी नकली कैविटी, मतलब सूडो कैविटी, ट्रू कैविटी, ट्रू कैविटी मिजोडर्म से। समझो कि नहीं समझो, कोई दिक्कत नहीं होती अगर आपको बेसिक भाषा में समझोगे, सिंपल, साइंस इज नॉट अबाउट कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स, सिंपल है, ये बता दो कि भाई तीन लेयर है, अगर मिजोडर्म कैविटी बना रही है तो वो ट्रू बनेगी, नहीं बना रही तो वो नहीं बनेगी, अगर मिजोडर्म उसको कवर नहीं कर रही तो मतलब वो फॉल्स बनेगी, सिंपल, बिल्कुल क्लियर।
क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन पे लेके जाता हूं। ये है आपके करेक्टरिस्टिक जो आपको पता होना चाहिए। हाँ जी बच्चे, ये आपके करेक्टरिस्टिक है, पता होना चाहिए। हाँ जी, नाम देखो बच्चे, सारे नाम याद नहीं हो सकते, बार 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 करते जाओगे तो होता जाएगा। फाइन, अभी टाइम है, डोंट वरी। साइंस आपकी, मैं बता रहा हूं, जब पेपर में बैठोगे तो आप मुझे याद करोगे साइंस में, इतना मैं श्योर कह रहा हूं। अच्छे से करो सारे क्वेश्चंस। हाँ, फाइलम पढ़ाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बेसिक बेसिक चीजें करेंगे हम, ठीक है? अब मैं जिस फाइलम में ये बोलूं कि ये मत करना, वो मत करना, ठीक है? जब जिसमें मैं बोलूं कि इसमें से ये याद करना है, वही चीज याद करनी है, बाकी चीजें छोड़ देना, ठीक है? लिख लो, चाहे दो दो तीन तीन पॉइंट है, मैं फटाफट बताता जाऊंगा, ठीक है? और हाँ जी चलिए, सबसे जो सिंपलर होता है वो होता है पोरीफेरा। सबसे सिंपलर फाइलम होता है आपका पोरीफेरा। स्पॉन्जेस, क्या बोलते हैं स्पॉन्जेस? अब स्पॉन्ज में क्या होता है, आप खुद बताओ, स्पॉन्ज में। हाँ जी, स्पॉन्ज में क्या होता है? हाँ जी, प्रोफे छेद छेद होते हैं कि नहीं होते, पोर्स होते हैं कि नहीं होते, बताओ, पोर्स होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो इनमें क्या होता है, आपका कैनाल सिस्टम होता है, ओस्टिया बोलते हैं। वॉटर एंटर्स इनटू द बॉडी थ्रू ओस्टिया। पोर्स, जो स्पॉन्ज के पोर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ओस्टिया, और उस कैनाल सिस्टम के थ्रू ही लिक्विड लेके अपना फूड भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, सब उसी से लेते हैं। और इनमें हार्ड स्पाइक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं? स्केल्टन होते हैं, एक्सोस्केल्टन होता है, याद करो, मैंने एक्सोस्केल्टन कल ही बताया। एक्सोस्केल्टन होता है, हार्ड स्पिक्यूल्स होते हैं, हार्ड स्पिक्यूल्स होते हैं स्पॉन्जेस, ठीक है? लाइक साइकोन याद कर लेना, इसमें से क्या याद करोगे? साइकोन, बस, और कुछ याद नहीं करना। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोर्स होते हैं जिन्हें ओस्टिया बुलाते हैं, और स्पाइक्यूल्स होते हैं जो इसका एक्सोस्केल्टन बनाते हैं। कैनाल सिस्टम इरिगेशन वाला नहीं, सिंपल सी बात है, इनमें ना बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू पानी पास करता है पूरी बॉडी में, वो कैनाल सिस्टम है। वो क्या है? कैनाल सिस्टम है, ठीक है? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सिनेडेरिया। सिनेडेरिया, ठीक है, एक्वाटिक है, एक्वाटिक है। हाँ जी, मल्टी सेलुलर रेडियल सिमेट्री है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये कहाँ, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप बच्चे, उन्होंने कई बार सिनेडेरिया पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, लेकिन क्यों? हाँ जी, कोरल, कोरल रीफ पढ़े, कोरल पोलिप्स कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? कोरल पोलिप्स पढ़े हैं, कोरल, कोरल रीफ्स है ना, वो इस ग्रुप के हैं, ये चीज ध्यान रखना है। वो कौन से ग्रुप से हैं? सिनेडेरिया ग्रुप से हैं। कौन से ग्रुप से हैं? सिनेडेरिया ग्रुप से, ठीक है? डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ये क्या होते हैं? डिप्लोप्लास्टिक, बताओ भाई, अब डिप्लोप्लास्टिक कोई दिक्कत है? डिप्लोप्लास्टिक कोई भी दिक्कत है? डिप्लोप्लास्टिक, ठीक है, एक्टोडर्म एंडोडर्म, और क्या होते हैं ये? इनमें कैविटी नहीं होती, इनमें कैविटी नहीं होती, तो ऐसे ही लियो में, आउटर एक्टोडर्म इनर एंडोडर्म सेपरेटेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस मिजोगैलिया, इनमें होती ही नहीं है कैविटी, ना इनमें मिजोडर्म होती है, सीधी सी बात है। इनमें क्या होता है? टेंटिकल्स होते हैं, इनमें क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं जो स्टिंग करते हैं, जिन्हें बोलते हैं सिनेडोब्लास्ट, जिन्हें क्या बोलते हैं? सिनेडोब्लास्ट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जेलीफिश, जेलीफिश, ये याद रखना, कोरल पॉलिप्स और जेलीफिश। फाइन,
हाँ जी, देन फाइलम प्लेटी हेलमिंथस, पेट के कीड़े होते हैं कि नहीं होते, पेट के कीड़े प्लेटवॉर्म्स होते हैं बहुत से, क्या होते हैं, टैपवॉर्म, लिवर फ्लूक, ये आपके जो है जो पेट के कीड़े या ये डिजीज कोज करते हैं, ठीक है। ये तीसरा फाइलम है, थर्ड फाइलम है। देखो ये भी क्या है, एसिलियोमाइट है विदाउट बॉडी कैविटी, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीसरा फाइलम ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है, बट इनमें कैविटी नहीं होती, इनमें कैविटी नहीं होती, विदाउट बॉडी कैविटी होते हैं, पैरासाइट होते हैं ये ज्यादातर। देखो पेट के कीड़े टेपवॉर्म, टेपवॉर्म देखा है ऐसा कीड़ा, हाँ जी, और लिवर फ्लूक, ये दोनों डिजीज कोज करते हैं, ये दोनों डिजीज कोज करते हैं, सकर्स और हुक होते हैं, क्योंकि ये क्या है, पेट के अंदर जाके इन्हें चिपकना होता है, तो इनमें क्या है, हुक्स और सकर्स होते हैं, होंगे कि नहीं होंगे, दोनों पैरासाइट हैं ये क्या है, दोनों पैरासाइट है, ये ध्यान रखना, ये वर्ड याद करना है, इनमें एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल होती है, सिर्फ रट्टा मार लो चाहे, फ्लेम सेल होती है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, हाँ जी, जो क्या करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर मैं बात करूं टुवर्ड्स ऑर्गन लेवल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनमें स्पेशलाइज सेल होती है, हर्माप्रोडाइट होते हैं, हर्माप्रोडाइट बताओ मैंने क्या बताया था, हर्माप्रोडाइट का मतलब है दे हैव बोथ सेक्सेस ऑन ए सिंगल इंडिविजुअल, हर्माप्रोडाइट का मतलब क्या होता है, बोथ सेक्सेस ऑन ए सिंगल सेल, सिंगल ऑर्गेनिज्म, सॉरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। फोर्थ आ जाओ एस्क्लाई हेलमिंथस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुचेरिया याद कर लो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कोज करता है एलिफेंटेसिस, क्या कोज करता है, एलिफेंटेसिस, हाथ पैर नहीं सूज जाते, बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं हाथ पैर, एलिफेंटेसिस, उसे कौन करता है, वुचेरिया, नाम याद कर लो चाहे, ये बहुत बार पूछा गया है, हाँ जी, फिलेरेसिस भी बोलते हैं उसे, हम फिलेरेसिस भी बोलते हैं, एस्केरियसिस भी किससे कोज होती है, एस्केरियस, ये दोनों आपके जो है ऑर्गेनिक, जो ये वर्म टाइप ही होते हैं, ये आपका डिजीज कोज करते हैं, वुचेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेंटेसिस कोज करता है, बैक्टीरिया नहीं है, वर्म है, बैक्टीरिया बिल्कुल अलग चीज है भाई, हाथी पांव जिसे बुलाते हैं, ये तो मल्टी सेलुलर है, बैक्टीरिया थोड़ी है, पैरासाइट आपके मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, कीड़े भी हो सकते हैं भाई, हाँ जी अर्चना, सॉरी, हाँ जी, नहीं, बीच में नहीं छोड़ना, सिलेबस पूरा करना है बच्चे, आप इसे दोबारा देख सकते हो, सिलेबस नहीं पूरा होगा फिर, हाँ जी, एस्क्लाई हेलमिंथस, राउंड वर्म्स बोलते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं, राउंड वर्म, देखो इनमें फॉल्स कैविटी होती है, सूडो सिलोमिक होते हैं, प्री लिविंग और पैरासाइट हो सकते हैं, देयर बॉडीज राउंड एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, सेक्सेस आर सेपरेट, मेन चीज इसमें जो याद करनी है, सूडो सिलोमिक है और वुचेरिया और एस्केरेसिस याद करना है, वुचेरिया याद करना है, इसमें इस जो राउंड वर्म में मेन चीज है वुचेरिया, जो क्या कोज करता है, एलिफेंटेसिस कोज करता है, ये मेन चीज है बस, और चाहे याद करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन ये पॉइंट आपको याद करना ही करना है, ठीक है। और डिजीजेस की जो, देखो इन डिजीजेस की मैं बात, जो बच्चे लिख रहे हैं फंगस की और इन सब की, बेटा कल या परसों आपका हेल्थ और डिजीज वाला चैप्टर है ना, उसमें करेंगे हम। फाइलम एनिलिडा, अर्थवर्म पता है आपको, अर्थवर्म, लीच, वो सारे एनिलिडा में है, इनमें ट्रू कैविटी, फर्स्ट फाइलम है जिसमें क्या होता है, ट्रू कैविटी होती है बच्चे, क्या होती है, ट्रू कैविटी, ट्रिप्लोब्लास्टिंग होंगे, ट्रू कैविटी होती है, इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल सेगमेंट्स होते हैं जिसे बोलते हैं मेटामर्स, मेटामेरिज्म होता है,
सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, मेटामेरिज्म क्या होता है, सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, बॉडी एक्सटर्नल रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एनुलाई सीटे प्रेजेंट, पैरापोडिया उनके पैर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है नेरेस, कान खजूरा, सुना अपने कान खजूरा जो होता है, कान खजूरा, कान खजूरा सुना है, हाँ जी, वो नेरेस है, अर्थवर्म भी सबने सुना है, लीच भी सबने सुना है, तो ये याद कर लेना ये किस फाइलम से है, एनालिडा से, ये क्या है, एनालिडा से है। अर्थवर्म और अर्थवर्म आपका हर्माप्रोडाइट होता है, ये है, जो कान खजूरा है इसके दोनों सेक्सेस अलग होते हैं, फाइन, एनालिडा से होते हैं। तो ये आपको ध्यान दे रखना है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल नेरेस या जोक, लीच या अर्थवर्म कौन से ग्रुप से हैं, कौन से फाइलम से है, एनालिडा से, ये इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव आर्थ्रोपोडा। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे 70% ऑफ लिविंग एनिमल्स आर आर्थ्रोपोड्स, हां जी 70% ऑफ लिविंग एनिमल्स आर आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड का मतलब होता है ज्वाइंटेड लेग्स, इनकी ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं। सबसे बड़ा हां जी सबसे बड़ा इनमें क्या होता है, हां जी सबसे बड़ा किंगडम है इनमें क्या है, बायलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमिक। अब सब जो भी आएंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमिक होंगे, सब क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि सारे सब कुछ ही लगा लो, स्पाइडर, मच्छर, मक्खी, भिरण, भिरड़ जो बोलते हैं, ठीक है, आपका जो है स्पाइडर्स, 20,000 से ज्यादा तो स्पीशीज सिर्फ एंट्स की है, 20,000 से ज्यादा स्पीशीज तो सिर्फ एंट्स की है, कॉकरोचेस, क्रैब्स, मतलब हर, मतलब 10 में से 7 आप चीज देख रहे हो वो क्या है, आपके आर्थ्रोपोड्स हैं, क्रैब, स्कॉर्पियन, सब कुछ। 70% जो पॉपुलेशन है एनिमल्स की वो ये है, ठीक है। ज्वाइंटेड लेग्स, एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉकरोच देखा है, कॉकरोच के ऊपर आपका शाइनी लेयर प्रेजेंट होती है कि नहीं होती, इंसेक्ट्स, सारे इंसेक्ट्स काइटिन की बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और मोल्टिंग करते हैं, मोल्टिंग का मतलब होता है बच्चे, जैसे सांप अपनी वो छोड़ जाता है, केंजली बोलते हैं कई जगह, इसी तरीके से ये भी अपनी बॉडी का आउटर पार्ट छोड़ जाते हैं, स्किन का, उसको बोलते हैं मोल्टिंग, जैसे सांप छोड़ जाता है अपनी स्किन, है ना। फिर देखो बॉडी कैविटी में हेमोलिम्फ होता है, ये वर्ड लिख लो, जैसे हेमोग्लोबिन होता है ना, इनमें होता है हेमोसाइनिन, हमारे अंदर क्या होता है, हेमोग्लोबिन होता है, इनके अंदर क्या होता है बच्चे, हेमोसाइनिन, क्या होता है बच्चे, हेमोसाइनिन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, याद करो मैंने जब सर्कुलेटरी सिस्टम कराया था, इनमें क्या होता है बच्चे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हेमोसाइनिन, मतलब सीधी बात बोलू ना, साइनिन कॉपर के लिए होता है, हमारे अंदर ग्लोबिन है होमोग्लोबिन, उसमें आयरन होता है, इनमें सेंटर में कॉपर होता है, फाइन, आई थिंक कॉपर, आई विल चेक इट, ठीक है, हाँ फाइन, हाँ जी क्लियर। एक्सक्रीशन थ्रू मालपेशियन ट्यूब्यूल्स, ये याद करना ही करना है, इनमें एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, मालपेशियन ट्यूब्यूल्स, मालपेशियन ट्यूब्यूल्स, ये वर्ड याद कर लो, मालपेशियन ट्यूब्यूल्स, जैसे हमारी किडनी काम करती है ना, हाँ जी किडनी काम करती है ना, वैसे ही इनके मालपेशियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, फाइन। सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये वर्ड भी याद करोगे आपके। रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स और ट्रेकिया, स्पाइरेकल्स होते हैं, छोटे छोटे स्पाइरेकल्स, स्पाइरेकल्स होते हैं, इनके छेद होते हैं यहाँ स्किन में, उनके थ्रू आपकी क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं, फाइन।
चल उसके बाद आ जाओ मोलस्का, इसका ये ध्यान रखना सेकंड लार्जेस्ट है ग्रुप, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल किंगडम है। देखो आपने देखा ये स्नेल्स, पता है स्नेल्स, तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैल्सरस सेल होता है, कैल्शियम की शेल बनी होती है, शंख जिससे बनता है। हाँ जी बेटा, टेनोफोरा अब जो है हम अलग उसमें नहीं डालते, फाइन। चलिए, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स जिन्हें हम बोलते हैं सिनेडिन, इनमें क्या होता है, सारी चीजें तो सेम है, बायलेटरल सिमेट्री होगी विदाउट सेगमेंटेशन, डिवाइडेड इनटू हेड मस्कुलर फुट एंड वेसिकल मास, उसके ऊपर कैल्सरस सेल होता है, बस ये ध्यान रखना। इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑक्टोपस और स्नेल, ऑक्टोपस और स्नेल ये याद रखना है। ऑक्टोपस कौन से ग्रुप का है? हाँ जी ऑक्टोपस कौन से ग्रुप का है? ऑक्टोपस आपका मोलस्का ग्रुप का है, बस ये चीज याद रखनी है। इक्नोडर्मेटा स्टारफिश, बस ये याद रख लो स्टारफिश, इनमें क्या होता है ध्यान से सुनना, ठीक है, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है, लार्वा में बायलेटरल कोई जरूरी नहीं है, वॉटर वस्कुलर सिस्टम होता है, फ्लूइड की कैविटी प्रेजेंट होती है, वॉटर वस्कुलर सिस्टम, लोकेशन लोकोमोशन के लिए ट्यूब फीट, कैल्सरस ओसिकल्स होते हैं, मतलब ये चीज देखो कैल्शियम के बने हार्ड स्पाइक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं हार्ड स्पाइक्यूल्स होते हैं, किसके बने हुए कैल्शियम के, कैल्शियम के, इसे बोलते हैं स्टार फिश और सी अर्चन एग्जाम्पल है इसका, दोनों ही याद रखोगे, किसका एग्जाम्पल है इक्नोडर्मेटा का, बाकी चीज याद मत करना चाहे, इनके दो एग्जाम्पल याद करने हैं स्टारफिश और सी अर्चन, स्टारफिश और सी अर्चन। टोर्टोइज और वो तो आगे आएंगे बच्चे, वो तो कोर्डेटा में आते हैं फाइलम में, बट कोर्डेटा फाइलम की हमें क्लासेस पढ़नी है, ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? अब मैं कुछ फाइलम है जो मैं नहीं बताऊंगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं वो पढ़ सकते हैं। हाँ जी फाइलम हेमिकोर्डेटा, मतलब इसमें जो है कोर्डेटा वाले गुण होते हैं थोड़े थोड़े नॉन कोर्डेट्स वाले होते हैं जो अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वी विल लीव इट। कोर्डेटा आ जाओ, अब ये लास्ट फाइलम, लास्ट कोर्डेटा लास्ट फाइलम है, बट इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, फाइलम के अंदर क्लासेस पढ़नी है जो हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कोर्डेटा क्या होते हैं? कोर्डेटा वो हैं जिनकी लाइफ में कभी ना कभी आपका प्रेजेंस ऑफ नोटोपोड रही हो, ये वर्ड लिख लो चाहे कि इनकी लाइफ में कभी ना कभी प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड रही हो। नोटोकोड है जो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, होलो रोड लाइक स्ट्रक्चर डोर्सल पोर्शन पे, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, यहां एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट होती है जिसे बाद में हमारा वर्टिबल कॉलम रिप्लेस कर लेता है, ये ध्यान रखोगे, एक पॉइंट ये याद रखोगे। दूसरा पॉइंट डोर्सल वेंट नर्व कोड, स्पाइनल कोड है कि नहीं है हमारी, डोर्सल हिस्सा हमारा कौन सा, पीछे का, वेंट्रल आगे का, जितने भी कोर्डेटा होते हैं उनमें होलो नर्व कोड होती है जैसे हमारी स्पाइनल कोड है, दूसरा पॉइंट याद रहेगा, दूसरा पॉइंट। थर्ड है पेयर्ड गिल पाउचेस, किसी ना किसी स्टेज में एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होंगे, ये तीन मेन पॉइंट हैं, ये क्या है तीन मेन पॉइंट है, ठीक है, ये तीन मेन पॉइंट है, ये तीन याद करने, बाकी नहीं करने, ठीक है, तीन मेन पॉइंट अभी याद कर लो। अब इसको भी हम ना प्रो कोर्डेटा में डिवाइड कर लेते हैं और वर्टिब्रेटा में, प्रो कोर्डेटा आप मत करना, प्रो कोर्डेटा मत करना, प्रो कोर्डेटा मत करना, आ जाए तो भी मत करना, ठीक है, प्रो कोर्डेटा हम नहीं करेंगे,
इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, जैसे जो प्रो कोड डेटा में ये आ जाते हैं हमारे, ठीक है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। प्रो कोड डेटा में यूरो कोड डेटा आते हैं और सिपेलो कोड डेटा आते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर किसी को करना है तो आपके नोट्स में मिल जाएगा, बट ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, मेरी सजेशन है कि ये छोड़ देना, ठीक है बेटा। आ जाए तब भी मत करना, इसलिए बोल रहा हूं कि जो 99.9% आपके बच्चे कंपिटिटर है ना, 90.99% उनको नहीं पता होगा इनके बारे में, तो वो सबके लिए एक जैसा हो गया ना। देखो लिमिटेशन रखनी है सिलेबस की, मैं क्यों, मैं पढ़ा सकता हूं, मुझे कोई इतनी दिक्कत थोड़ी है पढ़ाने में। मैं ये कह रहा हूं कि जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है ना, वो चीज देखो, तो वो चीज नहीं है इसमें, किसी भी बच्चे को नहीं आता मिलेगा। तो ये दो स्लाइड्स, या अगर मैं बोलूं ये दो पार्ट आपको छोड़ने हैं, मेन आ जाओ इस पे, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा वो ग्रुप है जिसमें क्या प्रेजेंट हो, वर्टिब्रेटा वो ग्रुप है जिसमें आपका वर्टिबल कोलम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वर्टिबल कोलम। हाँ जी, बफरिंग का इश्यू अभी भी आ रहा है? हाँ जी, क्लियर है? चलो, अब मेन चीज है वर्टिबल कोलम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वर्टिबल कोलम और बैकबोन। नोटोकॉर्ड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज गेट रिप्लेस बाय वर्टिबल कोलम विच फॉर्म्स द चीफ स्कल्टन एक्सेस ऑफ द बॉडी। हमारा मेन एक्सेस क्या बनाते हैं? वर्टिबल कोलम बनाता है। फाइन, अब इसमें सबसे पहली क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा। ये क्लास में क्या होता है, इनके ना जोज नहीं होते, जबड़े नहीं होते, इनके क्या नहीं होते, जबड़े नहीं होते। दीज आर पैरासाइट ऑफ फिशेस, फिशेस के पैरासाइट होते हैं ये। इसका एग्जाम्पल हैग फिश, लैम्प्रे भी बुलाते हैं, या हैग फिश, इसको क्या बुलाते हैं, लैम्प्रे। क्या बुलाते हैं? लैम्प्रे एग्जाम्पल हैग फिश एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। एग लेइंग होंगे ज्यादातर ये, ठीक है। पिसेस, अब यहां से ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो, यहां से ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो, यहां से ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो। फिश कौन सी स्पीशीज है? फिश, कोल्ड ब्लडेड, पोकिलियोथर्म, ये वर्ड याद कर लो। फिशेज क्या होते हैं? पोकिलियोथर्म होते हैं। पोकिलियोथर्म का मतलब बच्चे की ना, इनका बॉडी टेम्परेचर क्या है, घटता बढ़ता रहता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ इनका टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद करना है। पिसेस किस ग्रुप में है? हाँ जी, किस ग्रुप में है पिसेस? आपका कोल्ड ब्लडेड है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, ये तो आपको पता है क्योंकि इन्हें तैरना होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। पेयर्ड फिन होते हैं, पेयर्ड फिन, मीडियम फिन होते हैं। बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, स्केल्स का मतलब हार्ड कवरिंग होती है। फिश के आपने देखे स्केल्स होते हैं, हार्ड जो है स्किन होती है फिश की, या रेप्टाइल्स की क्या होती है, हार्ड। मगरमच्छ की देखी है? हाँ जी, मगरमच्छ की हार्ड, एक्सोस्केलेटन होता है एक किस्म से इनका, हार्ड स्किन होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है। हार्ट के क्या होता है? टू चैम्बर्ड होता है। ये पॉइंट ना सारे याद करने हैं। गिल्स के थ्रू, हार्ट क्या है? टू चैम्बर्ड है। हार्ट क्या है? टू चैम्बर्ड है। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। याद करो डबल और सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, करवाया कि नहीं करवाया? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मतलब ब्लड हार्ट से गिल में जाएगा, गिल से पूरी बॉडी में, फिर हार्ट में। टू चैम्बर्ड सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम याद रहेगा, टू चैम्बर्ड सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। फाइन, दो टाइप की फिश होती है, कार्टिलेजिनस मतलब इनका कार्टिलेज है, कोंड्रोसाइट्स बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं बच्चे? कोंड्रो, कोंड्रो का मतलब कार्टिलेज, कोंड्रोचाइट्स, कोंड्रोचाइट किसको बोलते हैं? कार्टिलेज फिशेज को।
इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है शार्क। शार्क पता है आप लोगों को? हाँ जी, मूवी देखी है? हाँ जी, जोज सीरीज देखी है कि नहीं देखी? हाँ जी, कोंड्रोचाइट्स, CHO, कोंड्रो, कोंड्रोचाइट्स, कोंड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज से बना हुआ। ओस्टोचाइट्स, बोनी फिश, जो आपकी नॉर्मल फिश होती है वो क्या होती है? बोनी फिश। ये क्या होती है? विद स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स। यूजुअली बोनी फिश होती है बच्चे, ये होती है ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब समझते हो? ओवीपेरस का मतलब समझते हो? अंडे देती है। कार्टिलेज फिश यूजुअली क्या होती है? विवीपेरस होती है। कार्टिलेज फिश ज्यादातर क्या होती है? विवीपेरस होती है। ऑस्टियोचाइट्स, बिल्कुल ठीक है तनु। ऑस्टियोचाइट्स मतलब, ऑस्टियो मतलब बोनी, ठीक है? ऑस्टियो मतलब बोनी, ऑस्टियो मतलब बोनी, ठीक है? ये एगलेइंग होती है। एगलेइंग का मतलब बच्चे समझते हो कि नहीं समझते हो? ओवी पेरिस बताया था कि नहीं बताया था मैंने? और ये क्या होती है? यूजुअली वीवी, वीवी का मतलब लाइव है, लाइव। यूजुअली जो खाने वाली फिशेज हैं आपकी ऑस्टियोचाइट्स होती हैं, बोनी फिशेज होती हैं। शार्क आपकी कार्टिलेज फिशेज है। उसके बाद आ जाओ एम्फीबियन। एम्फीबियंस हैं आपके, हाँ जी एम्फीबियंस। अब ये टेट्रापोड्स हैं। टेट्रापोड का मतलब चार पैरों पे वाले, चार लिम्स हो जिसके। क्या होते हैं? चार लिम्स, लैंड पे भी रह पाए और वाटर में भी, जैसे फ्रोग, टोड फ्रोग। अब इनका क्या याद रखना है? जो जो मैं बोलूं वो याद करना है। ये रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू कर सकते हैं, लंग्स के थ्रू कर सकते हैं, स्किन के थ्रू कर सकते हैं। स्किन, मॉइस्ट स्किन होती है इनकी। किसके थ्रू कर सकते हैं? स्किन के थ्रू कर सकते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, लिख लो चाहे ये पॉइंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओवीपेरस होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब स्पर्म और ओवम बाहर मिलते हैं। स्पर्म ओवम, बॉडी में स्पर्म इजेक्ट नहीं किया जाता, बाहर मिलते हैं। स्नेक्स नहीं आएगा अर्चना गौतम, इसमें सिर्फ एंड सिर्फ फ्रॉग आएगा। स्नेक्स नहीं आएंगे अर्चना। हाँ जी, फिश भी नहीं है, फ्रॉग, टोड, ठीक है? और इसमें क्या होता है कि जो स्टेजेस हो सकती हैं, जैसे लार्वा स्टेज, आपका अडल्ट स्टेज, अलग अलग, ठीक है? स्नेक्स आर रेप्टाइल, फिश भी नहीं है ये। इसका जो सबसे बड़ा है, जो एग्जाम्पल है, वो सेलेमेंडर, मेंडर, सेलेमेंडर, आपका चाइनीज सेलेमेंडर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। किसका? एम्फीबियन का। सबसे लार्जेस्ट एम्फीबियन है चाइनीज सेलेमेंडर। देन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स आपके जिनके स्केल्स होते हैं, जो क्या है? हाँ जी, देयर बॉडी इज कवर्ड विद हॉर्नी एपिडर्मल स्केल्स। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है। हार्ट थ्री चैम्बर्ड होता है। इनका हार्ट क्या होता है? थ्री चैम्बर्ड। एम्फीबियंस का भी क्या होता है? थ्री चैम्बर्ड होता है। लिजार्ड, स्नेक, एलिगेटर्स, घड़ियाल, क्रोकोडाइल। एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल का हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है। ये एक्सेप्शन हमेशा याद करने होते हैं। क्रोकोडाइल का हार्ट क्या होता है? फोर चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल का क्या होता है बच्चे? फोर चैम्बर्ड होता है, ये ध्यान रखना। एग लेइंग होते हैं, एग लेइंग होते हैं, बट इनका एग जो होता है वो कैसे डिफरेंट होता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सारे कैमेलियन और वो सारे इसी में आते हैं, इसी में आते हैं, रेप्टाइल्स में ही आते हैं, ठीक है? इसी में आते हैं, जो कलर चेंज करते हैं, ठीक है? कलर आपके फ्रॉग्स भी चेंज करते हैं। हमें मतलब ये एनवायरनमेंट की क्लास में पढ़ाया जाता है, कलर वो भी चेंज करते हैं, ठीक है? एग में कैल्शियम की शेल होती है, ये ध्यान रखना। एग के अंदर क्या होती है? कैल्शियम की सेल होती है, ऊपर कवरिंग होती है कैल्शियम। हार्ड एग होता है इनका। बर्ड्स, बर्ड्स
अब तक जो पढ़े तीनों क्लासेस, ये क्लास एम्फीबियंस और फिशेस, दीज आर कोल्ड ब्लडेड. नाउ बर्ड्स, बर्ड्स आर वॉर्म ब्लडेड. वॉर्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है बच्चे? होमोथर्मिक, मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. ये अपना एव्स क्या है बर्ड्स, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. सब द स्पाइंडल एंड बोट शेप्ड बॉडी होती है, डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक, वो भूल जाओ. मेन चीज है फेदर्स कवर करते हैं, फोर लिम्स विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दे हैव एयर सैक्स, रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स विच हैव एयर सैक्स, एयर के पॉकेट्स होते हैं ये समझो. और जो बोन्स होती है न्यूमेटिक बोन्स होती है, मतलब न्यूमेटिक बोन्स क्या होती है, हल्की होती है, उनमें हवा होती है, होलो बोन्स होती है, उनमें हवा प्रेजेंट होती है जो उन्हें लाइट फील कराती है. जो उन्हें क्या फील कराती है? लाइट फील कराती है. फाइन, होलो बोन्स होती है, एग लेइंग होते हैं. क्या होते हैं? एग लेइंग होते हैं. लार्ज योक प्रेजेंट होता है, कैल्सरस सेल प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल पैरेट, क्रो, ईगल, पिजन, ऑस्ट्रिच, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? बर्ड्स के. लास्ट में आ जाओ आपका मैमल्स. मैमल्स के तीन पॉइंट याद रखने हैं, बस ये लास्ट है, तीन पॉइंट याद रखने हैं. मैमल्स की स्किन हेयर से कवर होती है, फर्स्ट पॉइंट. इनके अंदर स्वेट ग्लैंड या सबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ऑयल ग्लैंड. दूसरा पॉइंट, मेमोरी ग्लैंड्स होती है, थर्ड पॉइंट. ठीक है, और कुछ और अगर मैं बात करूं, मेमोरी ग्लैंड से क्या है, मिल्क, मेमोरी ग्लैंड से आप समझते हो मिल्क प्रोड्यूस होता है. और एक्सटर्नल पीने भी होता है, मतलब ये वाली चीज सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होती है, बाहरी, बाहर का. समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बायोलॉजी की दो क्लासेस और होंगी शायद, मोस्ट प्रोबली दो या तीन, बस इस वीक में कोशिश करूंगा कंप्लीट हो जाए. ठीक है, ये एनिमल जो मैमल्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड, वॉर्म ब्लडेड होते हैं, हेयर. ये सारे पॉइंट याद करने इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है. वीवी पेरस होते हैं, ये क्या होते हैं? वीवी पेरस. वीवी पेरस का मतलब लाइव बर्थ देते हैं. क्या देते हैं? लाइव बर्थ. बट एक चीज ध्यान रखना बच्चे, इनमें एक्सेप्शन है. कुछ मैमल्स जिन्हें हम प्लेटीपस बोलते हैं और स्पाइनी एंट ईटर्स बोलते हैं, दीज आर ओवीपेरस. तो जो एक्सेप्शन होती है वो तो याद करनी ही करनी है. एक्सेप्शन इज प्लेटीपस एंड स्पाइनी एंट ईटर. ये आपके क्या होते हैं बच्चे? ये आपके, हाँ जी, ओवीपेरस है, एग ले करते हैं. ये क्या करते हैं? एग ले करते हैं, मतलब अंडे देते हैं. बाकी सारे क्या है आपके? लाइव बर्थ देते हैं. प्लेसेंटा जो बनता है इन सब में, प्लेसेंटा क्या होता है? जो आपका एम्ब्रियो होता है ना, उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूट्रस में प्लेसेंटा, यूट्रस में क्या है? प्लेसेंटा बनता है जो उसे प्रोटेक्ट करके रखता है. जो किसे प्रोटेक्ट करके रखता है? बच्चे को. ठीक है, उनके एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट. वो स्पेशल क्वालिटी है मैमल्स की. एग्जाम्पल क्या है? रैट, रैबिट, मैन, बैट. बैट किसका एग्जाम्पल है आपका? हाँ जी, बैट. ब्लू वेल, ब्लू वेल भी आपका मैमल है. डॉल्फिन भी आपका मैमल है, डॉल्फिन भी मैमल है. सी काउ भी मैमल है, सी काउ, सी काउ मैमल है, ध्यान रखना. डॉल्फिन भी मैमल है. जो ऐसे एक्सेप्शन है ना, जैसे आपका ब्लू वेल, सी काउ, ठीक है, ये सारे, हाँ जी, ये क्या है आपके? जैसे सी काउ, बहुत से जो है बच्चे सोच लेते हैं कि फिश होगी या नहीं, सी काउ मैमल है, डॉल्फिन मैमल है, आपका ब्लू वेल मैमल है. फाइन, चलिए, ये डुगोंग बोलते हैं सी काउ को, बिल्कुल ठीक है, डुगोंग सी काउ को बोलते हैं. यहां हम अपना आज का लेक्चर ओवर करते हैं. नहीं नहीं, सी हॉर्सेस मैमल्स नहीं होते बच्चे, नहीं, सी हॉर्सेस मैमल्स नहीं होते. फिश में जाओ, सी हॉर्सेस नहीं होते. यूपीएससी पूछ चुका है तभी मैं बता रहा हूं,
सी हॉर्स, सी लायन, सी काउ, ये पूछ चुके हैं। नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी देखो जाके, सब कुछ मिलेगा। नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी, फाइन, नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी। थैंक यू सो मच, चलो आज यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।